ज़रूरी नहीं होता। ऐसा है कि बदकिस्मती से ये जो सारे हमारे ICDS जो हेल्पर्स लगाए गए थे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, इनका कोई ऑर्डर कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये कैसे लगे हैं, क्या लगाया गया है, किसने लगाया है, कुछ भी नहीं। इनको कहीं कहीं से इकट्ठा करके आगे पीछे जो करके तो इनको दिया जाता था पैसा। हमने ये चौंके किसी भी ऑर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए, एक साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्ट से निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं जो उनका एक्सपीरियंस होगा, तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। सर कैसे अभी तक कभी किसी के साथ पिछले 2 साल में और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले जो गलतियाँ होती रही हैं ये उनका नतीजा है, ये उन लोगों उनका गरेबान पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इन्हें धोखे से जाकर बता दिया कि तुमको हमने सरकारी मुलाजिम लगा दिया है। 900 लोगों से ज़्यादा लोगों को एक धोखे के साथ चलाया जा रहा था, और आगे पीछे से कहीं कहीं से इकट्ठा करके भीख मांग के इनकी तनख्वाह के नाम के ऊपर कुछ कुछ इनको दिया जा रहा था, इनके पास कुछ भी नहीं था। उनके खिलाफ उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस और उनके खिलाफ एक्शन का प्रोसेस भी हमने कॉन्फिडेंशियली ऑन किया हुआ है। जितना पीस है आज वैली में इतना पिछले 31 साल में नहीं था सर। देखा कभी पत्थर से कभी किसी से, जब से ये फोर्सेस आई हैं ये पीस कायम करने वाली फोर्सेस हैं, तब से आपने कितने बच्चों को कितने नौजवानों को देखा है किसी भी तरह से मरते हुए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने देश के खिलाफ एक्शन किया, देश के खिलाफ बंदूक उठाई, उनके लिए यहाँ पे कोई हमदर्दी नहीं हो। एक्सट्रीम फार फ्लंग एरियाज की डेवलपमेंट की बात की है, देखिए पिछले 72-73 साल में उन फार फ्लंग एरियाज में कुछ नहीं किया गया, तभी आज उनकी हालत इतनी बदतर है। और सरकार के पास, हमारे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि जिसको दबाते ही ये काम कर दिए जाएं सारे। वहाँ पे इस वक्त ख़ास तवज्जा एलजी साहब के की क़यादत में बहुत बहुत ख़ास तवज्जा दी जा रही है, वह पिछड़े इलाके, चाहे वो जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, और जो बैक टू विलेज वगैरह वगैरह के जितने भी प्रोग्राम करवाए गए उनमें ये इन खास तवज्जा दी गई है बैकवर्ड एरियाज़ को, पहाड़ी एरियाज़ को, पिछड़े हुए एरियाज़ को। शुक्रिया।